डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आरसी ऑनलाइन पाठशाला। अब हम देखिए एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए, हो सकता है अभी हम वन साइडेड हैं, मैं जो समझाता हूँ उसमें कुछ बच्चे समझ सकते हैं, कुछ नहीं भी समझ में आ रहा हो तो आप जैसे ऑफलाइन क्लास में आओगे तब आपको ढंग से समझा दिया जाएगा। तो अब इस टॉपिक को लिखो, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो, लेट क्या होगा, जेड वन इक्वल टू एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन और जेड टू इक्वल टू एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जेड वन प्लस जेड टू क्या होगा, एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन और यहाँ पे क्या होगा, एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू हो गया। उसके बाद आप देख लीजिए, इसको करिए। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं कि x जो आयोटा लग रहा है ना उसको तो एक जगह कर लो और जिसके आयोटा नहीं लग रहा उसको अलग कर लो। तो x1 प्लस x2 और ये क्या है, प्लस आयोटा y1 और प्लस आयोटा y2। तो देखो, x1 प्लस x2, यहाँ से आयोटा कॉमन ले लो तो क्या आएगा, y1 प्लस y2। देखो ये क्या है, इसे पढ़ते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, मतलब Z1 प्लस Z2 का ये क्या है, रियल पोर्शन है और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2। ठीक है, इसको तो क्या पढ़ते हैं, आर ई ऑफ जेड वन प्लस जेड टू और यहाँ पे क्या करोगे, आई एम ऑफ जेड वन प्लस जेड टू। कहने का मतलब ये है, देखो ध्यान से, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, इसे तो क्या बोलोगे, रियल पार्ट ऑफ जेड, या इसको क्या बोल देते हैं, आर ई ऑफ जेड। देखो ध्यान दो, ये तो क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब इस जेड का, लेकिन यहां पे एक्स वन प्लस एक्स टू क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड वन प्लस जेड टू। ठीक है ना, और इसको रियल है तो आर ई ले लिया तो जेड वन प्लस जेड टू, क्योंकि जेड वन प्लस जेड टू ये रहा, यहां जेड था तो जेड लिख दिया, यहां जेड वन प्लस जेड टू है तो जेड वन प्लस जेड टू लिख दिया। ऐसे ही वाई वन प्लस वाई टू क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन प्लस जेड टू, तो इमेजिनरी में से आई एम ले लिया और जेड वन प्लस जेड टू ले लिया। ठीक है, देखो ये और ये दोनों होते तो रियल हैं, लेकिन इस पार्ट को इमेजिनरी किसने किया है, आयोटा ने कर दिया है। ठीक है, तो इसके आगे देखिए, अब ये तो आपका था एडिशन, अब मैं अगले स्टेप पे चलता हूं और मैं क्या करता हूं, अब आपको सब्ट्रैक्शन बता देता हूं कि दोनों को किस प्रकार से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए, z1 माइनस z2 करो तो क्या आएगा, x1 प्लस आयोटा y1 और यहां पे क्या होगा, माइनस x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, अब इसे करो सोल्व, एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन माइनस एक्स टू माइनस आयोटा वाई टू। ठीक है, अब उसके बाद देखो, जिसको आयोटा लग रहा है उसको एक तरफ और जिसके नहीं लग रहा उसको एक तरफ कर लो, एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस आयोटा वाई वन माइनस आयोटा वाई टू, तो ये क्या होगा, एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस आयोटा वाई वन माइनस वाई टू। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस z2 और इसको क्या बोलोगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस z2। ठीक है, ये मैंने आपको किस प्रकार से एड और सब्ट्रैक्ट होता है ये बता दिया, अगली क्लास में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन और साथ में उनको डिवाइड किस प्रकार से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही,